कैसा लग रहा है आपको भाई यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अभी मैं आ गया हूँ दूसरे प्रदर्शनी हॉल के अंदर। यहाँ पर भी आईजी के जीवन से जुड़े हुए काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे आई माता जी की बैलगाड़ी का पहिया है फ्रेंड्स। आई माता जी की बैलगाड़ी का रियल पहिया आज हमें देखने को मिला। ये पहिया लोग यहाँ थोड़ा सा घुमाते हैं और घुमाने का आनंद लेते हैं। ऊपर पूरा बोर्ड लगा हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये आई माता जी के बैल जुलूस का बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। पूरा जुलूस आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये जो बैलगाड़ी वाली बग्गी देख रहे होंगे, इसके अंदर आई माता जी बैठे हैं और आगे काफ़ी लोग चल रहे हैं, पीछे हाथी हैं और उसके पीछे कलश लेके महिलाएँ चल रही हैं, सबसे पीछे ऊँट जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होते हैं दोस्तों। और ये बिलाड़ा गांव और आई माता जी का मंदिर, आई माता जी का जुलूस, सबका यहाँ पर वर्णन किया हुआ है दोस्तों। अभी हमने रिक्वेस्ट करके ये जुलूस भैया से चलवाने का बोला है। ये जुलूस चलता हुआ आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक है और ऐसा लग रहा है जैसे वास्तविक पूरा जुलूस मूव होता है दोस्तों। देख पा रहे होंगे वो यहाँ से इधर साइड में मूव हो रहा है। यहाँ पर दोस्त भजन मंडली का वर्णन किया हुआ है, भजन मंडली की ये प्रतिमा है। आगे आप देख पा रहे होंगे आई माता जी की प्रतिमा है, वहाँ पर आई माता जी भक्ति में लीन। माता जी की झोपड़ी है, ये झोपड़ी का यहाँ पर प्रतीक बनाया हुआ है, यानी कि इसी टाइप की झोपड़ी में आई माता जी ने 40 वर्षों से अधिक रहकर अपनी भक्ति की थी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से देखने पर कितना ही सुंदर दृश्य दिख रहा है। पूरा यहाँ पर कांच का भूल भुलैया बना हुआ है और ये आई माता जी का जुलूस ऊपर से मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये राज मिस्त्रियों द्वारा बनाया गया भूल भुलैया है। अभी हम आ गए हैं भूल भुलैया के अंदर। यहाँ पर पूरा कांच का बनाया हुआ भूल भुलैया है, देखते हैं, बहुत सावधानी से जाना पड़ेगा अंदर, यहाँ खोने का बहुत डर है भाई साहब। ये बहुत ही खतरनाक भूल भुलैया है, यहाँ पर भूल भुलैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दफ़ा मुझको ये लगा कि यहाँ पर मेरे सामने ही व्लॉगिंग करता हुआ कौन आ गया, फिर लगता है कि रास्ता कहीं और जा रहा है। पूरा घुमाया हुआ रास्ता है दोस्तों, इधर 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 दोस्तों। ये ऐसी जगह है, यहाँ थोड़ा अंधेरा हो गया है, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। मतलब मैं हाथ लगा लगा के देख रहा हूँ, ये मैं फंस गया अभी, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, यहाँ पर तो रास्ते ही नहीं दिख रहा है दोस्तों। ये भूल भुलैया यहाँ पर ख़त्म हो गया है, मतलब आगे तो और रास्ता है क्या? और रास्ता नहीं मिला, काफ़ी सारे लोग यहाँ आके खो गए, इधर उधर घूम रहे, कोई रास्ता नहीं, आगे रास्ता नहीं, इतना ही है बस, इतना ही आगे नहीं। काफ़ी लोग यहाँ जा रहे हैं, खो रहे हैं सब। ओह देखिए दोस्तों, ये भूल भुलैया बचेड़ लग गया मेरे कैमरे के, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ रास्ता है। थोड़ा देख के चलता हूँ वापस, मैं बाहर जा रहा हूँ अभी, पर रास्ता मुझे ढूंढना पड़ रहा है हाथ लगा लगा के। ओह इधर रास्ता है। पूरे साइडों में दोस्तों इतने ग्लास ही ग्लास लगे हुए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से रास्ता है। कैसा लग रहा है आपको भाई यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, मजा आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर बच्चे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आप भी आओ तो इस भूल भुलैया में ज़रूर जाना भाई साहब, दिन खुश हो जाता है एकदम। अभी प्रदर्शनी देखते देखते मैं मंदिर के ठेठ ऊपर टॉप पर आ गया हूँ, तो यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मंदिर कैसा दिखता है। दोस्तों अभी हम दूसरे हॉल में आ गए हैं, यहाँ पर आई माता जी के जीवन से संबंधित सारे दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, पूरा इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया है, महिला चक्की को चलाती हुई आपको दिख रही होंगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पुराने ज़माने में किस प्रकार मसाले कूटे जाते थे, ये बिलौना करने का दृश्य आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक लोहार का चित्र बनाया हुआ है, लोहार का काम करते हुए आपको दिख रहे हैं, लाइव देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में किस प्रकार महिलाएँ चरखे द्वारा रस्सियाँ और धागा बुनती थी, वो यहाँ पर धागा बुनते हुए आपको दिख रहा है लाइव। महिला यहाँ पर चरखा भी कात रही है और साथ साथ में ये छोटा बच्चा और इसका ये झूला है, झूला भी चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर ये आई माता जी के जीवन से जुड़ा हुआ साहित्य है, बहुत ही पुराना साहित्य है जो पूरा इन अलमारियों के अंदर
रखा हुआ। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, आई माता जी के जीवन से जुड़े हुए सारे बर्तन यहाँ पर पड़े हैं दोस्तों। नीचे पूरी प्रदर्शनी है और ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि वो पूरे नगाड़े ढोल यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पर दोस्तों एक मगरमच्छ है जो कि बिलाड़ा के जोड़ में पहले पाया जाता था, और आप इसके पीछे देख पा रहे होंगे बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक वस्तुएं रखी हुई हैं जो मैंने तो यहीं पर आकर पहली बार देखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सुंदर दृश्य है, दोनों साइड से अनाज के भरे हुए टोकरे, उधर से ऊँट आ रहे हैं और दोनों एक ही जगह पे जा रहे हैं। और ये दोस्तों भूल भुलैया टाइप का ही कुछ दिख रहा है मुझे, आगे बहुत अंधेरा है, कुछ भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर ये बिलाड़ा बटेर के पूरे शस्त्र है, ये पूरा शस्त्रागार है, जो भी बिलाड़ा बटेर में शस्त्र काम में लिए जाते थे वो सभी अस्त्र शस्त्र यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए लगा कर रखे हैं, जो आने जाने वाले लोग यहाँ पर देखते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी तलवारें हैं और ढाल हैं, कुल्हाड़ी और भी काफ़ी यहाँ पर शस्त्र हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चाकू, कुल्हाड़ी, ये भाले, और इधर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ हैं, छोटे चाकू है, ये फरसा है दोस्तों जैसा परशुराम जी के पास होता था। यहाँ पर दोस्तों ये दीवान रोहित दास जी का महल है, ये आप देख पा रहे होंगे दीवान रोहित दास जी की आदमकद प्रतिमा है। दीवान रोहित दास जी ने आई माता जी को प्रसन्न करने के लिए एक टांग पर खड़े होकर अपनी चोटी को ऊपर बांधकर भक्ति की थी, इसलिए आई माता जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। यहाँ पर दीवान रोहित दास जी की गादी है दोस्तों, दीवान रोहित दास जी का महल भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर ये बिलाड़ा बडेर में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन रखे हुए हैं दोस्तों, और घरेलू कामकाज में आने वाली सारी सामग्रियां रखी हुई है। यहाँ पर काफ़ी ये पुरानी सामग्रियां हैं जो आपने पहले और कहीं तो नहीं देखी होगी। अगर आप कभी बिलाड़ा मंदिर आते हैं तो आपने देखा होगा, या फिर आप इनको देखना चाहते हैं तो बिलाड़ा मंदिर आना पड़ेगा आपको, और हमारे वीडियो में तो आप देख ही रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आई माता जी अपने हाथों से भगवान गोविंद दास जी का राज तिलक कर रहे हैं। तो यहाँ ऊपर जो आप छत देख पा रहे होंगे ये लकड़ी की बनी हुई है और 300 से ज़्यादा साल पुरानी है। दोस्तों हमने पूरे आई माता जी मंदिर का दर्शन किया, पूरी प्रदर्शनी देखी, और भी बहुत सारे जो आई माता जी के जीवन से जुड़ा हुआ चरित्र था वो हमने देखा। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आई माता जी द्वारा जो बाण गंगा लाई गई, ये बाण गंगा का पवित्र तीर्थ स्थल जाने का बोर्ड प्रवेश द्वार लगा हुआ है। दोस्तों अभी हम वापस घर की तरफ जा रहे थे, गर्मी बहुत है, बहुत तेज़ लू चल रही है भाई साहब, मुझे थोड़ी भूख भी लग गई थी, तो उनका दिस रेस्टोरेंट में रुके हैं, कुछ खा पी लेते हैं फिर जाते हैं घर।